एक कागज़ से घर बनाएं। इसके लिए आपको सिर्फ एक चौकोन कागज़, गोंद, कैंची और रंगीन कलम दरकार होगी। सबसे पहले एक चौकोन कागज़ को दरमियान से तय करें, फिर खोलकर दोनों सिरे तय कर लें, फिर खोलकर दूसरी तरफ से दरमियान से तय करें और फिर से इसी तरह दोनों सिरों को दरमियान में तय करें। इस तरह से इस मुरब्बा नुमा कागज़ में कुल 16 छोटे मुरब्बे हासिल होंगे। फिर इन्हें निशान लगाएं और 6 लाल रंग की लकीरों को चौथाई हिस्सों तक तराश लें। फिर इनमें इस तरह निशान बनाएं और इस पर गोंद लगाएं और इन्हें आपस में जोड़कर घर की तिकोनी छत बनाएं। पहले एक तरफ, फिर घुमाकर दूसरी तरफ। अब देखेंगे कि आपका कागज़ी घर तैयार हो गया है। लेकिन इस घर में ना ही कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की। आप घर में दाखिल कैसे होंगे वाला? तो सबसे पहले आप कलम से दरवाजे और खिड़कियों के निशान बना लें और कैंची की मदद से उन्हें तराश लें और इन्हें खोलकर ये हो गया दरवाज़ा और ये खिड़की खुल गई। घर की खिड़की दरवाजे तो बन गए, जिससे कि घर में हवा आती जाती रहे। अब रंगीन कलम से घर की छत पर पसंदीदा नक्काशी करें। आप कवेलू भी बना सकते हैं। घर के सामने थोड़ी घास भी बना सकते हैं। दोनों बच्चे घर की खिड़की में से बाहर देख रहे हैं। है ना बहुत ही आसान? अब आप इसे बनाओगे?